नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुड्डू मोरा सरमित्र पर। और आज का रेस्क्यू कॉल हमें गाजीपुर जिले के गौरा गांव से आया है। और आप लोग देख सकते हैं काफी ज्यादा फॉग है, जिसे हम लोग कोहरा कहते हैं। मतलब चारों तरफ कोहरा ही कोहरा है और कुछ भी क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी क्या करेंगे, रेस्क्यू के लिए कॉल आया तो जाना पड़ेगा, क्योंकि एक बेजुबान जीव की जान की बात है और कई लोगों की भी जान की सुरक्षा का सवाल है। अगर हम लोग वहां पर नहीं पहुंचते तो हो सकता है वो लोग उस सांप को ही मार दे, या फिर उस सांप के काटने से किसी और की जान भी जा सकती है। ऐसे में उचित यही रहेगा कि सर्दी चाहे जितनी भी पड़े, हमें उस मौके पर पहुंच करके सांप का सुरक्षित रेस्क्यू करना ही पड़ेगा। ऑलराइट, तो हम लोग मौके पर पहुंच चुके हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर पहले से ही काफी ज्यादा लोगों की भीड़ इकट्ठा है। लोग देखना चाहते हैं किस तरह से सांप का रेस्क्यू होता है, और लगभग लगभग पूरा गांव यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आप लोग देख सकते हैं चारों तरफ सिर्फ लोग ही लोग दिखाई दे रहे हैं, और घर के अंदर जो सांप है वो देखा गया है। तो हम लोग फटाफट सारी तैयारी करते हैं और सांप का सुरक्षित रेस्क्यू करते हैं घर में ना। हम कौन सिस्टम आपके लगे तरल होगा? सही बात है, बताना दूर से जान पड़ता है ना, कुछ बोला। अच्छा, आपके कौन सिस्टम लगे तरल है? आपके क्या लगे तरल है कि जड़ी बूटी लुंगी पहन के ये लोगन बड़ा बड़ा धोती पहन के क्या पहन के क्या होता है ना, तू तो अपन छोड़ा था ना, वो सब स्कैम कर देते बाबा। बाबा ऐसा ना होला, वो आप लोग बहुत सफाई से बेवकूफ बना देवे ना। और रहा बात अगर केहू ऐसा हुई तो हमने एक नंबर रही आप बुलवा दिया हमने, कि 1 लाख रुपए हमने नगद कैसे लेके आओ, और जो बुलाई उनके 10,000 उन्होंने नगद। यहाँ के ग्रामीणों को बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि कुछ इस तरह के लोग रेस्क्यू के लिए आएंगे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि कोई धोती या लुंगी पहन करके आएगा और रेस्क्यू करेगा और मंत्र मंत्र बुदबुदाएगा या फिर ऐसा कुछ करेगा। एक्चुअल में वो लोग मंत्र नहीं बुदबुदाते हैं, वो लोग मंत्र को बदनाम करते हैं और मंत्र जैसा है कुछ उल्टा पुल्टा बुदबुदाते हैं, और जिसे मंत्र वो लोग कहते हैं वो असल में मंत्र नहीं होता, वो सिर्फ बकवास होता है। तो हमने यहाँ के लोगों को क्लियर किया कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है, कोई भी सांप को बिना देखे बिना ढूंढने रेस्क्यू नहीं कर सकता। अगर ऐसा कोई करता तो उसको हम लोग 1 लाख रुपये का नगद पुरस्कार भी देंगे, लेकिन उसको हमारे सामने करना पड़ेगा। खैर, ये सब तो बात की बात है, फिलहाल चलते हैं सांप का सुरक्षित रेस्क्यू करते हैं। बैठा पड़ा एकदम। और यहाँ पर जो सांप है वो तो दिखाई दे रहा है, आप लोग देख सकते हैं सामने एक इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा है, लेकिन ऐसा लग रहा है ये सर्दी से काफी ज्यादा परेशान हो गया। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये फर्श पे ऐसे लेटा पड़ा हुआ है और बिल्कुल भी हलचल नहीं कर रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि ये जिंदा ही ना हो, लेकिन ये जिंदा है और ये सही सलामत भी है। लेकिन सर्दी काफी ज्यादा और फर्श भी काफी ज्यादा ठंडा होता है, हो सकता है इसको छुपने के लिए एक अच्छा स्थान न मिला हो जहाँ पर ये रह सके और अपने आप को सर्दी से बचा सके, और यहाँ पर ये ऐसे पड़ा रहा। फिलहाल हम लोग बिना वक्त गवाए इसको बाहर की तरफ लेके चलते हैं, और इसके बारे में कुछ जानकारी भी आप लोगों से साझा करता हूँ जब तक कि हम लोग उसको बाहर लेके चलते हैं। इसको भारत के अलग अलग जगहों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। कहीं पर इसे कोबरा, वैसे कोबरा इसका अंग्रेजी नाम है इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा, और कहीं पर इसे नाग कहते हैं, इसका हिंदी नाम नाग होता है, और कहीं पर इसे फिटार कहा जाता है, कहीं पर गेहूं कहा जाता है, और कहीं पर खरीज भी कहा जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम नाजा नाजा होता है। अंग्रेजी में इसे स्पेक्टिकल कोबरा, हिंदी में नाग, और अलग अलग जगहों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। आप लोग देख सकते हैं ये उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं दिखाई दे रहा, जिसका कारण सिर्फ और सिर्फ सर्दी है। लेकिन दिक्कत की कोई बात नहीं, हम लोग आ चुके हैं, इसको ले जा करके हम लोग धूप में अच्छे स्थान पर रिलीज कर देंगे, जंगल में, जहाँ पर अच्छे ढंग से रह लेगा और अच्छे ढंग से सर्वाइव कर लेगा। नहीं ऐसा नहीं बाबा, की है इनको भी काट सकता है, काटा भी है,
और तीन तीन बार काटा भी है, पूरा पूरा चांस है कि इनको भी काट सकता है। बस हम लोग को इनको पकड़ने का ट्रीट करने का तरीका पता है, बस वही बात है। बाकी हम लोग व्यापी की तरह इंसान है, जैसे आपको काट सकता है वैसे हमको भी काट सकता है। पूरा पूरा इंसान है बाबा एकदम। जी अब देखा होगा अगर कपार सामने हो, देखा त्रिशूल बना लखा बना ले लोग का है ना। अब देखा अब यू की तरह बना लो, यू की तरह बना लो, गोल गोल हो वो के त्रिशूल कहला है जोन कहला। वैसे नियम था इसके, इसके सिर पे पैटर्न क्या बना चाचा जिन लोगों को थोड़ा दिखा के समझा दीजिए और इसका नाम क्यों ऐसा पड़ा है। ये देखिए चश्मे के जैसा दिख रहा है ना, ध्यान से देखा लोगों गोल गोल हो डंडे जैसे ना, पीछे देखा लोगों पीछे देखिए थोड़ा सा घूम के सबको दिखा। चश्मा कैसे होता है, चश्मा कैसे होता है, चश्मे का आकार का होता है ना, बस सेम हो देख लीजिए। और एक देखकर नाम अंग्रेजी में स्पेक्टिकल्ड कोबरा भी पढ़ लो, देख लीजिए घूम जाएगा पीछे ला देख लो। इसका जो नाम है ना स्पेक्टिकल्ड कोबरा है, स्पेक्टिकल माने चश्मा वाला अंग्रेजी में, और ऐसे की स्पेक्टिकल्ड कोबरा कहा जाला। अरे देख ला पीछे में देखे, अरे ठीक है भाई देख लीजिए। तो ये त्रिशूल नहीं है देख ले लोगन, अभी मत सोचा लोगन हमारे पास कोनो मंत्र है। दूसर तो आप लोग मत पकड़िएगा भैया, मैं आप लोगों के लिए मना कर रहा हूँ, मैं जो कर रहा हूँ आप लोग ना करिएगा। काफी महत्वपूर्ण और आवश्यक बात कही चाचा जी ने कि जिस तरह से हम लोग सांपों को ट्रीट करते हैं, यानी कि जिस तरह से सांपों को हम लोग रेस्क्यू करते हैं या फिर जिस तरह से पकड़ते हैं, आप लोग कभी भी ऐसा ट्राई मत करिएगा। हम लोग ऐसा करते हैं तो इसके लिए हम लोगों ने पहले सांपों के बारे में गहन अध्ययन किया है, हमारे पास सांपों के बारे में अच्छा अनुभव व कई सालों का जो एक्सपीरियंस है उसे अनुभव ही कहेंगे, उसकी वजह से हम लोग सांपों को इस तरह से रेस्क्यू कर पाते हैं, इस तरह से ट्रीट कर पाते हैं। आप लोग ऐसा करेंगे तो ऐसे में बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है। वो बजे रात से मन परेशान है जाने लगे, 9 बजे से लग सही भाग का ना पुरुष अंदर बंद किया गया था ना, क्या बंद कर रहे थे ना, चलिए ध्यान दीजिएगा ज्यादा दो लगना, चलिए इसको पैक करते हैं, सर्दी है ना, सर्दी में ज्यादा नहीं है। अब आप लोग कोई जानकारी चाहिए तो पूछ सकते हैं, सीधा हॉस्पिटल जाइए, क्या सर जी सीधा हॉस्पिटल जाना है, कोई काट लेवे तो आप लेके कहीं ना जाए, क्या फलाना ढिमाका जगह झाड़फू के चक्कर में ना पड़े क्या, सीधा हॉस्पिटल नहीं आयुर्वेदिक का फलाने वाले चक्कर में पड़ा, नहीं गांव में कुछ नहीं है, सिर्फ हॉस्पिटल में एंटीवेनम आपको बचा पाएगा, नहीं चला जाएगा बाबा, वो ट्रेंड थोड़ी ना उसमें जाने के लिए। जैसे ये कहीं अंदर घुस गया तो उसके लिए क्या उपाय है, जैसे अंदर मतलब जैसे बिल में ना दिखाई दे रहा पकड़ लिए, नहीं अगर आपको बिल में घुस गया तो आप कंफर्म देखते रहेंगे और फोटो भेज रहेंगे तभी हम लोग आएंगे, उस बिल को खोद करके निकाला जाएगा, बिल को खोद के निकाला जाएगा। हाँ और ऐसे ही कहेंगे कि मेरे घर में बिल में घुसा तो हम लोग आएंगे नहीं बिना कंफर्मेशन के, बिना फोटो बना जी, कंफर्मेशन जरूरी है ना, नहीं उतना दूर से आया अगर इंसान जैसे कि मान लीजिए अचानक में कहीं घुस गया चला गया अंदर, हमने देख लिया है हम उसका जो ऑटोग्राफ नहीं ले पाया, ऐसी सिचुएशन में हम लोग बिल्कुल रेस्क्यू करेंगे, हमेशा सर्विस देंगे क्योंकि हमारा काम है बेजुबान जीवों को और लोगों की मदद करना। लेकिन फोटो की डिमांड हम लोग इसलिए करते हैं कि कई बार हमें अनावश्यक रूप से दौड़ा दिया जाता है, हमें साफ नहीं भी होता तभी बुला दिया जाता है और हमारा जो वक्त है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है, कई बार दूर से कॉल आता है और जितना वक्त बर्बाद होता है उतने में हम लोग चाहे तो एक दो और सांपों की जान बचा सकते हैं, एक दो लोगों की मदद कर सकते हैं, लेकिन अनावश्यक रूप से दौड़ने के कारण जो वक्त बर्बाद हो जाता है उसमें कभी कभी हम कहीं पर नहीं पहुँच पाते हैं और सांपों का रेस्क्यू नहीं हो पाता, इसलिए हम लोग फोटो की डिमांड करते हैं। लेकिन अगर फोटो नहीं भी रहेगा तब भी हम लोग रेस्क्यू करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन फोटो के द्वारा कन्फर्मेशन होने से काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाता है और एक हम लोग को आइडिया भी लग जाता है कि एक्चुअल में सांप है या फिर नहीं। और यहाँ पर हम लोग सांप को रिलीज करने के लिए आ चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं एक काफी बड़ा जंगल और धूप भी पूरी तरह से निकली हुई, दिन का वक्त है, ऐसे में इसको अपने अनुकूलित स्थान ढूंढने में कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। और आप लोग देख सकते हैं जो सांप है वो अपने अनुकूलित स्थान में जा रहा है और ये खुद ब खुद अपने हिसाब की जगह ढूंढ लेगा और अच्छे ढंग से सर्वाइव कर लेगा।
आज की वीडियो और जानकारी आपको कैसे लिए कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद। जय हिंद। जय भारत।